हेलो वेलकम। आज हम बनाएंगे पीनट बटर एंड बनाना सैंडविच। तो उसके लिए दो स्लाइस ऑफ ब्रेड हमको लेना है, बटर, वन बनाना, पीनट बटर एंड हनी। तो वन हमने बनाना लेना है, उसको हम पहले बनाना को पील करके उसको मैश कर देंगे एक बाउल में। बाउल में कट कर लिया है, फिर इसको हम फोर्क से ऐसे इसको मैश कर लेंगे। हम मैश करके उसको हम साइड में रख लेंगे। ये प्रॉपर मैश हो गए, उसको मैश करके बनाना को आप बाउल साइड में रख लीजिए। दो स्लाइस ऑफ ब्रेड है, उसके ऊपर हमको एक स्लाइस, दोनों स्लाइस के ऊपर हमको बटर लगाना है। स्प्रेड बटर आप दोनों तरफ अच्छी तरह से, दोनों स्लाइस पे बटर स्प्रेड कर दें, थोड़ा से मैश करके मिक्स कर लें और उसके अंदर हम हनी डालेंगे। आप थोड़ा सा, 1 टेबल स्पून, टीस्पून जितना, थोड़ा सा अंदर हनी मिलाइए और हनी मिला के उसको अच्छी तरह से मिक्स करके बोल को साइड में रख लें। और ये जो दो ब्रेड स्लाइस है उसके ऊपर हमने दोनों तरफ बटर लगा दिया है, उसको हम टर्न अराउंड कर देंगे उल्टा लगा के। इसके ऊपर, एक के ऊपर हम पीनट्स बटर लगाएंगे, एक ब्रेड के ऊपर हम पूरी साइड पीनट्स बटर लगा दें वन स्लाइस के ऊपर। ये बहुत ही अच्छी सैंडविच लगती है और हेल्दी भी है, तो टेस्ट भी थोड़ा सा डिफरेंट लगता है। तो बच्चों के लिए बहुत ही इजी टू मेक और वेरी नाइस टेस्ट। सो बच्चे ऐसे लगा के बना के आप लंच में, ब्रेकफास्ट में आप उनको दे सकते हैं। इस तरह से पीनट बटर आप पूरी स्लाइस पे लगा दें। स्लाइस पे हमने लगा दिया है, दूसरी स्लाइस पे जो हमने ये बनाना मैश करके रखा था वो हम अच्छी तरह से उसके ऊपर, दूसरी स्लाइस के ऊपर हम जो बनाना हमने मैश करके रखा था वो हम लगा देंगे अच्छी तरह से। फिर उसको हम बंद कर देंगे, दोनों ब्रेड को हम साथ में जोड़ लेंगे। तो ये प्रॉपर हमने बनाना रख दिया। अब ब्रेड हम दोनों स्लाइस को इस तरह से हम चिपका देंगे अच्छी तरह से। पीनट बटर लगाया है एक, दूसरे पे बनाना लगा दें जो मैश करके हमने रखा था, और दोनों स्लाइस को ऐसे जोड़ लेना है और उसको फिर हम नॉनस्टिक तवे में थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, यानी कि सेक लेंगे थोड़ा सा उसको, गोल्डा भी गोल्डन ब्राउन। इस तरह से नॉनस्टिक पैन पे आप रख लें और दोनों तरफ से सेकना है। बटर लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी हमने बटर ब्रेड पे लगाया है। तो इसको आप गोल्डन गुलाबी ब्राउन क्रिस्पी सैंडविच जैसा दोनों तरह से अच्छी तरह से सेक के उसको प्लेट में निकाल लें। रहे हैं आप दोनों तरफ साइड से आपको क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन कर लेना है और फिर उसको प्लेट में निकाल के कट कर लें। गरम टोस्टर बनाना सैंडविच आप ऐसे सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और अच्छी लगती है, बच्चों को भी पसंद आता है क्योंकि हनी बनाना फ्लेवर पीनट्स बटर, तो लंच में आप बच्चों को पैक लंच में या ब्रेकफास्ट में भी ऐसा बना के आप दे सकते हो। तो बहुत ही टेस्टी और अच्छी सैंडविच लगती है, तो आप ज़रूर ये सैंडविच बनाइए, ट्राई कीजिए। थैंक यू वेरी मच।